तो अब हम जा रहे हैं चिकमंगलूर से 10 किलोमीटर दूर थिप्पनहल्ली स्टेट में। तो ये थिप्पनहल्ली स्टेट जो कि हमारा डेस्टिनेशन है रिजॉर्ट। तो हम आ गए अपने रिजॉर्ट में। और ये है 150 ईयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी। ओनर ऑफ द हाउस भी यही रहते हैं। लश ग्रीन लॉन्स और गोल्फ कोर्स क्लब भी इन्हीं का ही है जहां हम लोग लास्ट नाइट थे। और सबसे अच्छी बात है इन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को रिवाइव करके रखा है। और ये है कॉटेजेस जो बनी है उनका इंटीरियर। हमारा बेबी कर रहा है आराम। बहुत ट्रेडिशनली इसको मेंटेन किया गया है। और रूम्स को देख के ना मुझे पुराने ज़माने की याद आ गई। पहले लोगों ने इसी तरह से रूम डेकोरेट करते थे ना, कर्टन्स इस तरह से लगाए जाते थे, पैलमेट्स के ऊपर कवर और इस तरह से ये ओल्ड स्टाइल बेड। और ये है कॉटेजेस का पूरा बाहर से लुक। अलग अलग कॉटेजेस सबके लिए बनी है। वन रूम, ड्राइंग रूम, वॉशरूम अटैच है और इंडिपेंडेंट हैं तो प्राइवेसी बनी रहेगी। तो हमने दो कॉटेजेस ले ली थी। चिकमंगलूर एंड वी आर एक्चुअली गेस्ट टुडे हियर। फ्यू डेज बैक माय सन वाज हियर एज अ कस्टमर आई मस्ट से, बट कुछ बिजनेस का काम निकल गया तो अब हम लोग यहाँ गेस्ट हैं। सामने कॉफ़ी हाउस रेस्टोरेंट है ये। एंड दिस होल प्रॉपर्टी इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है और आई थिंक चिकमंगलूर में दिस इज़ द बेस्ट स्टे। रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इंटरनेट कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। नो इंटरनेट, नो फ़ोन कॉल्स, ओनली डाइनिंग एरिया जो है वहाँ इंटरनेट अवेलेबल है। ये चिकमंगलूर की सबसे ऊंची पहाड़ियों में मानी जाती हैं और टॉप में जो है वहाँ पर फॉग हो रहा है अभी। वहाँ पर एक टेंपल है, ऋषि टेंपल उसको बोलते हैं। और चिकमंगलूर को ही श्रेय जाता है कि सबसे पहले कॉफ़ी प्रोडक्शन का। कहते हैं यहाँ पर कोई संत आए थे अरब से, कहाँ घूमते घूमते तो कुछ कॉफ़ी के बीज ले आए तो उन्होंने इस जंगल में लगा दिए थे और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे कॉफ़ी का कल्टिवेशन शुरू हुआ है। तो अभी हुए हैं सुबह के 7:17 और बहुत विंडी वेदर है, धूप आ गई आज। ये 250-300 साल पहले की बात है। और ये सामने जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये है बुलयंगिरी की पहाड़ियाँ और ये सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है कर्नाटका में। 1250 मीटर की ऊंची हैं पहाड़ियाँ। और बाबा नायगिरी हिल्स ये सामने दिखाई दे रही हैं कुछ। और ये जो बना है रिजॉर्ट, ये बना है स्लोप्स ऑफ
बाबा नायगिरी हिल्स की स्लोप में बना है और सामने मुलंगिरी जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और कोई ऋषि का टेंपल भी है सामने की पहाड़ियों पे। एक ही बार नज़र आया हमें, उसके बाद तो फॉग ही रही यहाँ पर। तो कॉफ़ी की हिस्ट्री जो है चिकमंगलूर से ही शुरू मानी जाती है, और कॉफ़ी के कॉटेजेस जो नाम है ना कॉटेजेस के, वो कॉफ़ी के नाम से ही रखे हैं इन्होंने, अरेबिका और इस तरह से नाम रखे हैं कॉटेजेस के भी। चारों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, लश ग्रीन फॉरेस्ट, लश ग्रीन लॉन्स, चिड़ियों की चहचहाट, पेड़ों की पत्तियों की रस्लिंग, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो जबकि कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं ले पा रहे हैं, कोई एयरटेल वगैरह का आ रहा है नेटवर्क यहाँ पर, लेकिन मेरे वोडा का तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो लेकिन बिल्कुल भी बोर नहीं हुए, सामने इतने अच्छे कुदरत के नज़ारे देखते हुए दिन कब बीत गया पता ही नहीं चलता था। वो सामने एक पहाड़ी है, उसे ऋषि पर्वत कहते हैं, शायद वहाँ कोई टेम्पल है सामने दिख रहा है जो वे डाइनिंग एरिया है। तो चलिए चलते हैं डाइनिंग एरिया की साइड। सामने एक लटक रही है एक बेल, इसको आप बजाइए तो सामने किचन से आ जाते हैं कुक, पूछते हैं क्या चाहिए उन्हें आपको, फिर आप डाइनिंग में बैठ जाइए। थोड़ा नेट वहाँ आता है इंटरनेट यहाँ डाइनिंग वाले एरिया में, तो जस्ट रिंग द बेल और सामने से पूछने आ गए वो कि क्या चाहिए आपको। तो मैं मंगा रही हूँ चाय मॉर्निंग की, खूब सारी अदरक डली हुई चाय, और वो फौरन बहुत ही बढ़िया चाय लेके आ गए। ये सामने जो एरिया दिखाई दे रहा है ये किचन है इनकी, इसमें इनके एम्प्लॉइज़ भी रहते हैं कुक वगैरह। और यकीन मानिए बिल्कुल नहीं लगा कि हम लोग कहीं बाहर हैं, बिल्कुल होम वाली फीलिंग थी, और खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था मतलब, और इतने अफोर्डेबल प्राइस पे, मैंने तो आज तक मुझे ऐसा स्टे नहीं मिला। ओनर ऑफ द हाउस उनकी फैमिली भी मिलने आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ये नीचे की साइड ना सॉकर वगैरह खेलने के लिए भी है, एक साइड ऊपर जो दिखाई दे रही है टॉप में वहाँ पर कैरम लगा है, चेस रखी हैं, तो बहुत अच्छे से आप अपना टाइम पास कर सकते हैं नेचर को एंजॉय करते हुए। ये नीचे सॉकर के लिए है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर रेन्स हो रही थी, बहुत हल्की हल्की बारिश, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, पर यहाँ पर मुझे मस्कीटोज़ नहीं लगे। वैसे मस्कीटो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि बाहर बैठने में मच्छर काट रहे, अच्छा लग रहा था बाहर बैठने में भी। और कैंप फायर वगैरह के लिए सब इंतज़ाम है इन लोगों का, बहुत सारी कॉटेजेस थोड़ी थोड़ी दूरी पे बनी है, तो डाइनिंग में ही जो भी गेस्ट हैं वो सब मिल जाते हैं एक दूसरे से, और कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। और ये है बाहर से डाइनिंग एरिया का पूरा व्यू, एक साइड खाना लग जाता है, एक तरफ टेबल्स लगी हैं और एक साइड में थोड़ा प्ले एरिया भी है, साथ में कुछ टेबल्स भी लगी हैं, उस साइड भी खाना खा सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, और घूमने के लिए तो बहुत जंगल है, आप घूम ही नहीं सकते एक दिन में तो, क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम लोग अंदर ही थे, थोड़ा बारिश रुकती थी तो बाहर घूमने आ जाते थे। ये ओनर के घर के सामने का एरिया है, वो हमें एक दूसरी प्रॉपर्टी में, उनके सन हमें ले जाने वाले हैं, उनकी ही प्रॉपर्टी है वो, इससे भी ओल्ड है, 250 ईयर्स ओल्ड है। अब हम वहाँ जाएंगे तो हम बाहर कॉटेज में वेट कर रहे हैं। और इतना नीट एंड क्लीन है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सफाई है, 24 घंटे वर्कर्स जो है सफाई करने में लगे हुए हैं। बारिश भी हो रही थी तो भी वो सर के ऊपर कुछ पहन के रेनकोट टाइप्स घास मिट्टी सब निकाल रहे थे। ये है ओनर का घर, और इतनी पुरानी प्रॉपर्टी को इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, मतलब अपने बुज़ुर्गों की पुरखों की चीज़ों की कद्र करना तो कोई इनसे सीखे।
और अब हम जा रहे हैं एक दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। आई थिंक सेकंड गेट देन थर्ड गेट देन इतने सारे एम्प्लॉइज। तो आज आई हूँ मैं चिकमंगलूर में एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में जो है 250 इयर्स ओल्ड, और यहाँ पर हमें लेके आए हैं इसके ओनर, और इन्होंने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है और इसको अब वो दे रही हैं एज अ होम स्टे, और आपको मैं पूरा व्यू कराती हूँ। तो ये है प्रॉपर्टी का एंट्रेंस, और ये जो बनाई गई है प्रॉपर्टी ये 250 साल पुरानी है, और धर्म प्रकाश आराला गुप्पे चंद्रगोड़ा जो 5/8/1870 में पैदा हुए और 5/7/1939 में इनका देहावसान हुआ। तो ये पांचवीं जनरेशन है जो इस प्रॉपर्टी को अब ओन कर रही है। तो इन्होंने बहुत सारे धार्मिक कार्य किए जिसकी वजह से इन्हें धर्म प्रकाश की उपाधि दी गई, और हॉस्पिटल जो है चिकमंगलूर में एक अराला गुप्पे मालेगुड़ा इन्हीं के नाम से है, और ये इनका घर है जो इनके आने वाली जनरेशन्स ने इसको मेंटेन किया है। देखिए कितना सुंदर इंटीरियर, बहुत वेल मेंटेन्ड, हर चीज़ की खूबसूरती को इन्होंने मेंटेन करके रखा है। मतलब जो कार्विंग है डोर पे पॉलिश करके रखी है, छोटे छोटे दरवाजे उनको बड़ा नहीं किया, क्योंकि गृह देवता होते हैं ना, कहते हैं तो झुक के अंदर जाओ तो आशीर्वाद मिलता है गृह देवता का, यानी कि उस प्रॉपर्टी की हम जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्ट देना प्रॉपर्टी को, तो जो भी अंदर आए तो झुक के आए, मतलब प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट दे, गृह देवता को रिस्पेक्ट दे। तो इसको मेंटेन करना बहुत एक बड़ा टास्क है। तो ये हैं उनके ओनर, उनके बेटे। रूम्स देखिए आप कितने सुंदर ढंग से, थोड़ा सा मॉडर्न लुक तो आजकल देना ही पड़ता है, जैसे टीवी लगाना है थोड़ी चेयर लगानी पड़ेंगी नॉर्मल, और ये देखिए कारपेट्स, बहुत राजाओं वाली फील आ गई देख के अंदर। हर चीज़ बहुत टेस्टफुली डेकोरेट की गई है, सोच समझ के हर चीज़ रखी गई है। ये है उसका बैकयार्ड जिसमें एक स्विमिंग पूल था, और हमारा बेबी तो बहुत खुश हो गया क्योंकि इस पूल के अलावा एक छोटा सा पूल इन्होंने साइड में दिया है बच्चों के लिए जो कॉर्नर पे दिख रहा है ब्लू सा, इसमें बहुत सारी फिशेस थी तो बहुत ही खुश हो गया बच्चा हमारा। यहाँ पर कन्नड़ा फिल्म की शूटिंग्स और कन्नड़ा सीरियल्स की शूटिंग के लिए ये घर यूज़ किया जाता है, और अगर एक बार आपका सीरियल चल गया तब कि 2-3 साल के लिए प्रॉपर्टी ये लोग लीज पे दे देते हैं, और दे अर्न फ्रॉम द हेरिटेज प्रॉपर्टी। सो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, बट नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस, money, laborers, everything. But I think हमारे जो पुराने लोग थे वो जानते थे कहाँ रहना चाहिए नेचर के बीच में, because it's always give you a soothing effect. इतना stress नहीं होता था पहले क्योंकि नेचर के साथ रहते थे, और हमेशा अगर हम प्रकृति के साथ रहते हैं तो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, stress हो गया, anxiety, all mental disease. तो ये लोग मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा स्ट्रेस देते थे, मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते थे पहले के लोग, और खाने पीने पे ध्यान देते थे। आजकल शो ऑफ में ज़्यादा ध्यान है, और एक्चुअल लाइफ जो है वो उससे हम बहुत दूर हैं।
So this is all about this place. It's in a huge jungle. सिर्फ एक ही property है जंगल में. में रुकेंगे उनके लिए. ये है डाइनिंग एरिया. दिस इज द डाइनिंग हॉल. वेरी वेल मेंटेन प्रॉपर्टी. सी द डाइनिंग एरिया. बेस्ट प्लेस टू रिलैक्स. मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज ड्रिजलिंग. थोड़ा देर ड्रिजल होगा थोड़ा सा, फिर रुक जाएगी, फिर होगी बारिश हल्की हल्की. मतलब आप भीगेंगे नहीं, बहुत हल्की हल्की बारिश है. डेजर्ट. और इसके बाद हमने किया लंच. लंच की वैरायटी देखिए आप. रसम, बॉइल्ड राइस, फ्राइड राइस, आलू, ये है पालक चना, और ये हैं छोले, और ये है रायता. तो है यहाँ का फ्रेशली मेड, बहुत बढ़िया. तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बेंगलोर के लिए. कीड़ा आ गया, बचाओ. There are so many insects around. बचाओ. Oh my God. We are going. We are leaving. Bye. चुकु, he is saying bye. He is saying bye. चुकु, he is saying bye. वेल्लूर चिन्मय स्वामी टेम्पल स्तंभ. तो इसके बाद गए हम चिन्मकेशवा टेम्पल वेल्लूर में, जिसको कि विजय नारायण, जो तालकाड वंश से बिलोंग करते थे, 1117 एडी में बनवाया चोल राजा को हराने के उपलक्ष में. और ये विष्णु जी का मंदिर है, और इसमें कोई अलंकरण नहीं किया गया इस मंदिर का. मतलब जैसा है ये वैसा ही है आज भी. ब्लैक स्टोन से बना है पूरा अंदर, बहुत खूबसूरत. तो इस तरह से हमारी चिकमंगलूर की यात्रा हुई संपन्न. आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.